हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को 52.4 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया है। 52.4 बिलियन डॉलर्स, जानते भी हो कितना पैसा होता है? 33,57,81,82,00,000 रुपए। लेकिन बात यह नहीं है, हमें जानना है कि मार्वल के जितने भी कैरेक्टर्स थे अब वो कहां पे है और कौन उनके राइट्स रखता है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल स्टूडियो से शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात ये भी है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो मार्वल स्टूडियोज और यूनिवर्सल स्टूडियोज में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास सिर्फ और सिर्फ शीहल के ऑफिशियल राइट्स हैं, और बाकी के कैरेक्टर्स जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नेमर, जनरल रॉस, अबोमिनेशन, हल्क, द लीडर और बेटी रॉस। तो यहाँ तो बात हुई यूनिवर्सल स्टूडियोज की, अब आते हैं सोनी पिक्चर्स पे। सोनी के पास ऑफिशियल राइट्स वाले कैरेक्टर हैं, जैसे कि सैंडमैन, कार्नेज, सिल्वर सेबल, ब्लैक कैट, लिजर्ड, वेनम, राइनो, कार्नेज, इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन, मिस्टीरियो, डॉक्टर ऑक्टोपस, हॉबगॉब्लिन और ग्वेन स्टेसी। और बाकी के कैरेक्टर्स जो सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं वो हैं वल्चर, स्पाइडरमैन, आंट में मैरी जेन, जे जोना जेम्सन, शॉकर और स्पाइडरमैन। तो यहाँ तो बात हुई इनकी। और अब जो कि 21st सेंचुरी फॉक्स ने अपने आप को 52.4 बिलियन डॉलर्स में अपने आप को बेच दिया है, तो अब जो फॉक्स के पास कैरेक्टर हैं वे अब मार्वल स्टूडियोज के पास सीधे सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं, जैसे कि सारे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, अल्फा फ्लाइट, कोलोसस, एपोक्लिप्स, वुल्वरीन, डेडपूल, केबल, न्यू म्यूटेंट्स, मैग्नीटो, गैलेक्टस, डॉक्टर डूम और वगैरह वगैरह। और अब जो कि मार्वल के पास ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स हैं, अब सबका नाम लेके तो आपको बता नहीं सकता, मार्वल के पास 8,000 प्लस कैरेक्टर्स हैं, किस किस का नाम लेता फिरूंगा यार, तुम ही बताओ। कुछ चीजें और भी हैं जो मेरे ख्याल से आपको बताना मैं जरूर समझूंगा, जैसे कि फॉक्स के बिकने के साथ साथ कई बड़ी मूवी फ्रेंचाइज भी डिज्नी को चली गई हैं, जैसे कि अवतार फ्रेंचाइज, एलियन वर्सेस प्रीडिएटर या एलियन फ्रेंचाइज भी आप कह सकते हैं, एक्समैन और डेडपूल फ्रेंचाइज। मूवी ही नहीं, सारी टीवी सीरीज और एनिमेशन सीरीज भी सीधे सीधे डिज्नी को चली गई हैं, जैसे कि 350 प्लस चैनल्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें स्टार इंडिया भी अलग से VIP मेन्यू में शामिल है। फॉक्स एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कंपनी है। ये अच्छी बात है कि मार्वल अपने सारे कैरेक्टर्स को धीरे धीरे वापस ले रहा है, ताकि हमें और भी बड़ी मूवी टाइमलाइन देखने को मिल सके। तो अब बात यहाँ आती है कि क्या हमें डेडपूल एवेंजर्स में देखने को मिल सकता है? क्यों नहीं देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब तो ये ऑफिशियल हो चुका है कि डेडपूल एवेंजर्स का प्रोमिनेंट मेंबर है। भाई अगर डेडपूल एवेंजर्स में रहेगा मजा बहुत आएगी यार। और हमें डेडपूल अभी तो नहीं, मगर शायद इन्फिनिटी वॉर सीरीज के बाद वो हमें एवेंजर्स फ्रेंचाइज में देखने को मिल सकता है। और यहाँ मेन बात आती है कि वुल्वरीन क्या हमें फिर से देखने को मिल सकता है? क्यों नहीं देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब तो कमान मार्वल के पास है, और मार्वल स्टूडियोज ये बेशक जानती है कि ह्यूज जैकमैन की फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है, और वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर को पॉपुलर बनाने में जैकमैन का भी बहुत बड़ा हाथ है। ह्यूज जैकमैन ने कहा भी है वे एज अ सुपर हीरो वापस आ सकते हैं, वुल्वरीन नहीं कोई और सुपर हीरो बन सकते हैं, लेकिन वापस आ सकते हैं। लोगन मूवी में जैकमैन के मरने के बाद बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन जब से फॉक्स ने अपने आप को बेच दिया है तब से उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है। एक बात यह भी है कि ये सारा लेनी देनी वाला मैटर चालू कहां से हुआ? देखो 1990 में जब लोगों के बीच कॉमिक्स का क्रेज कुछ कम होने लगा और किसी कारणवश कंपनी को कुछ ज्यादा फंड चाहिए था, तो 1990 में मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स बेचना चालू कर दिए, लेकिन सबको नहीं, बस जाने माने प्रोडक्शन स्टूडियोज को। फिर ठीक उसके बाद मार्वल ने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू किया, लेकिन 2009 में डिज्नी ने मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीद लिया और अपनी खुद की प्रोडक्शन चेन शुरू की, जिसे हम आज मार्वल स्टूडियोज के नाम से भी जानते हैं। और अब जाके डिज्नी ने फॉक्स को भी खरीद लिया है, जिसका मतलब है कि हमें और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। क्या ये अच्छी बात हुई कि डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया? क्यों नहीं अच्छी बात हुई? इतने मस्त मस्त कैरेक्टर्स दोनों के पास हैं, और जो एक्समैन की कंफ्यूजिंग टाइमलाइन थी वो भी सुधर जाएगी। और एक्समैन से एक बात ये भी याद आती है कि कॉमिक्स में क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच हमें दोनों में एक्समैन और एवेंजर्स में देखने को मिले हैं, लेकिन मूवीज में हमें दोनों अलग अलग देखने को क्यों मिलते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच दोनों फॉक्स और मार्वल स्टूडियोज में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब जो कि डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया है, तो अब जहां तक मुमकिन है कि एवेंजर्स वाला क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच दोनों एक्समैन और एवेंजर्स में एक साथ देखने को मिलेंगे। और डीसी का क्या हालचाल चल रहा है? डीसी में भी कुछ बहुत ही बेहतरीन मूवीज आने वाली हैं, जो आने वाले टाइम में शायद कमाल दिखा सकती हैं, जैसे कि एक्वामैन, वंडर वुमन 2 और आगे की उसकी जो भी प्रोडक्शंस हो। और आपको क्या लगता है? अगर आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है मार्वल से रिलेटेड तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी देख के अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मारो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब मारो यार इस चैनल को। देखो भाई, इन्फोटेनमेंट वाला चैनल है, मम्मी पापा कोई बोलेगा नहीं, सब्सक्राइब मारो, मजे से मारो। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है, जाके देखो यार, अच्छा लगेगा। रोज रोज नए नए पोस्ट करता हूँ, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।